नगर पालिका परिषद चांदपुर के भाजपा के प्रत्याशी विकास कुमार उर्फ रॉकी को मिल रहा जबरदस्त समर्थन। प्रत्याशी विकास कुमार उर्फ रॉकी ने कहा है कि मैं नगर पालिका क्षेत्र को सुंदर पालिका बनाने का वादा करता हूँ। विकास गुप्ता को नगर में संपर्क अभियान में सभी धर्मों के लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हिंदुओं के साथ मुस्लिम व सिखों का भी बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। विकास गुप्ता संपर्क करते हुए अपने प्रिय मतदाताओं से कहते हैं, मेरा नाम विकास है और मैं नगर में विकास के लिए आगे आया हूँ। जनता की आवाज भ्रष्टाचार के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक संपन्न खानदान से संबंध रखता हूँ। भ्रष्टाचार और दलाली मुझसे बहुत दूर रहेगी। मेरा अथक प्रयास रहेगा कि मैं नगर पालिका जो नरक पालिका बन चुकी है, इसको सुंदर पालिका बनाने में सफल हो सकूं। इसलिए आपके बहुमूल्य वोट की आवश्यकता है। विकास गुप्ता को हिंदुओं के साथ मुस्लिम वोट भी बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है। मुस्लिम वोट विकास की जीत का कारण बनेगा। भाजपा कार्यालय पर प्रतिदिन सैकड़ों मुसलमान मतदाता आते हैं, हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं से विकास गुप्ता के सामाजिक एवं व्यावसायिक संबंध है। प्रत्याशी विकास गुप्ता के अनुसार चांदपुर में अभी भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो पब्लिक को काफी समय पहले मिल जानी चाहिए थी, जैसे 7 वर्ष पुराने बने ओवरहेड टैंक आज भी चालू नहीं हुए हैं। इनके चालू होने से नगर को स्वच्छ पानी मिलेगा, साथ ही बिजली की बचत भी होगी। जनसंपर्क कार्यक्रम में हर धर्म और हर बिरादरी के लोग सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास जीत 100% पक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट। आप भाजपा से चुनाव मैदान में हैं और आपका उद्देश्य क्या है लड़ने का? लड़ने का उद्देश्य शहर का विकास है। चूंकि मैं चांदपुर का रहने वाला हूँ और दुनिया या अपने भारत के मैं किसी भी कोने में चले जाऊँ, मैं विकास चांदपुर वाले के नाम से ही जानता हूँ। विकास ही मुद्दा है मेरा, क्योंकि यही हमारे संगठन का मुद्दा है, यही मेरा मुद्दा है। नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार और कमीशन पूरी फैली हुई है, इसके बारे में आपका क्या हुआ है? कमीशन और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी तक जितने भी यहाँ चेयरमैन आए, उन्होंने अपने घर बनाए, मैं जनता के घर बनवाने के लिए आ रहा हूँ। मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। और पीछे सुना था मैंने कि मकानों में पैसे खाए गए हैं, तो 50,000 रुपये खा लिए गए, 1,50,000 रुपये पैसे, तो 76,000 रुपये खा लिए गए, इतना गरीबों का पैसा कमीशन पूरी में खाया गया है। आपका मेन उद्देश्य है भ्रष्टाचारी खत्म करना? मैं तो भाई साहब 1 रुपया किसी को खाने नहीं दूंगा। गरीब का पैसा सीधा गरीब के पास जाए, उसका पैसा कोई नहीं होता। विकास जी, जैसे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है चांदपुर, इसमें आपको मुस्लिमों का कितना साथ मिल रहा है? मुस्लिमों का पहले आप मुस्लिम की भी समझ में आ रहा है कि हम ऐसे व्यक्ति को क्यों बैठाएं जो अपना घर बनाए, ऐसे व्यक्ति को क्यों ना बैठाएं जो शहर का विकास है। तो मुस्लिमों का मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और ईश्वर ये कृपा कर रहे हैं हम पे कि हम इसलिए जीते। जनता का आपको रुझान अच्छा मिल रहा है? हाँ, जनता का मैंने सेवा ही की है आज तक, लोगों की सेवा ही मेरा काम है, सेवा ही की है। तो आज जनता इन भ्रष्टाचारियों को हटा के मुझे लाना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद विकास जी।